हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो नहीं देखोगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा? इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आज का करंट अफेयर्स का प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बना है, वो है चीन है। क्वेश्चन नंबर दो, है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो आइसोलेशन वार्ड यानी कि स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। हाल ही में केंद्रीय आंतरिक परिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो रायपुर में आयोजित की गई है आंतरिक परिषद की 22वीं बैठक। हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि वो गुजरात में, कि आलू सम्मेलन का वैश्विक तीसरे आलू सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर पांच, हाल ही में गोलोक चंद्र गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? गोलोक चंद्र गोस्वामी एक भाषाविद थे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? वह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। क्वेश्चन नंबर सात है, हाल ही में आईबीए के सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है? तो आईबीए के कार्यभार सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला सुनील मेहता ने संभाला है। आठ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में तरनजीत संधू ने किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तरनजीत संधू को अमेरिका का राजदूत यानी कि नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नौ, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया है? तो देश की पहले सुपर फैब लैब का शुभारंभ केरल राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर टेन है, हाल ही में 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2019 हरित रत्न पुरस्कार से डॉक्टर एन कुमार को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? वो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मार्जन सरेक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने गुजरात राज्य हथकरघा के साथ समझौता किया है? वह फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट कंपनी ने गुजरात राज्य हथकरघा के साथ समझौता किया है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। और अधिक वीडियो देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी हमारे दोस्तों को इससे करंट अफेयर्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।